दुख नादान कोई वक्त मुझसे कहिए, जिससे इनका कलेश शांत हो जाए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महा पुण्य को देने वाले व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हुए, जिससे शत्रु का नाश हुए, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर दक्षिण पलायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धर्म जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थिर होकर द्रौपदी से बोले कि हे पंचाली पुत्री, एक उत्तम वर को तुम सुनो। जिस वर को बड़े समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी वर्ष को करो। द्रौपदी बोली कि हे विप्र, आपका कहा हुआ वर्ष कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस वर्ष में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम वर्ष को किया था? हे महाभागे, हमारे के हो ना।